नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। छतरपुर से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सजा याफ्ता कैदी जहूर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सेंट्रल जेल से 15 दिन की पैरोल पर आया था यह घर। पुरानी रंजिश में हत्या को अंजाम देने का शक था इस पे। सिटी कोतवाली थाना इलाके की यह घटना बताई जा रही है। छतरपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सजा याफ्ता कैदी जहूर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सेंट्रल जेल से 15 दिन की पैरोल पर यह घर आया हुआ था। पुरानी रंजिश में हत्या को अंजाम देने का शक है। सिटी कोतवाली थाना इलाके की घटना बताई जा रही है। छतरपुर से बड़ी खबर, सजा याफ्ता कैदी जहूर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सेंट्रल जेल से 15 दिन की पैरोल पर यह घर आया हुआ था, तभी इसकी हत्या हो गई है। पुरानी रंजिश में हत्या को अंजाम देने का शक है। सिटी कोतवाली थाना इलाके की घटना है। पुलिस तमाम पहलुओं के आधार पर मामले की जांच कर रही है। किसने गोली मारी इसे, उसकी तलाश हो रही है। लगातार पूछताछ जारी है पुलिस की। तो छतरपुर में सजा याफ्ता कैदी जहूर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सेंट्रल जेल से 15 दिन की पैरोल पर यह घर आया हुआ था। पुरानी रंजिश में हत्या को अंजाम देने का शक है। सिटी कोतवाली थाना इलाके की घटना बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है कि आखिरकार किसने जहूर की गोली मारकर हत्या की। हालांकि पुरानी रंजिश हत्या की वजह बताई जा रही है। आशंका है कि पुरानी रंजिश के चलते जहूर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सजा याफ्ता कैदी जहूर को मौत के घाट उतार दिया गया। सेंट्रल जेल से 15 दिन की पैरोल पर यह घर आया हुआ था, तभी इसे गोली मार दी किसी ने। पुरानी रंजिश में हत्या की आशंका है। पुलिस तमाम पहलुओं के आधार पर मामले की जांच कर रही है। सिटी कोतवाली थाना इलाके का यह पूरा मामला। तो छतरपुर से बड़ी खबर, सजा याफ्ता कैदी जहूर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सेंट्रल जेल से 15 दिन की पैरोल पर यह घर आया हुआ था। पुरानी रंजिश में हत्या को अंजाम देने का शक है। सिटी कोतवाली थाना इलाके की यह घटना। नर्मदापुरम से बड़ी खबर, जहां कोठी बाजार में हुए गोलीकांड का सीसीटीवी सामने आया है। सीसीटीवी में वारदात को अंजाम देते कैद हुआ है आरोपी सुरेंद्र राजवंशी पर गोली चलाते नजर आया है। 11 सितंबर को सुरेंद्र राजवंशी पर हमला हुआ था। गोली लगने पर युवक घर में घुसकर युवक ने अपनी जान बचाई। नर्मदापुरम के कोठी बाजार में 11 सितंबर को गोली कांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें आरोपी मोबाइल पर बात कर रहे सुरेंद्र राजवंशी पर गोली चलाते नजर आया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, आरोपी एक कार से आता है और पीड़ित पर गोली चलाना शुरू कर देता है। गनीमत रही कि पीड़ित सुरेंद्र राजवंशी एक घर में घुसकर अपनी जान बचा लेता है। वहीं भीड़ लगते देख आरोपी कार में सवार होकर फरार हो जाता है। दुर्ग से बड़ी खबर है, जहां सरकारी अस्पताल के डॉक्टर पर यौन उत्पीड़न का आरोप है। सीएमएचओ दफ्तर में पदस्थ है आरोपी डॉक्टर। दफ्तर में काम करने वाली महिला ने आरोप लगाया है डॉक्टर पर। पुलिस और सीएमएचओ से शिकायत की गई। आरोपी डॉक्टर को पदभार से मुक्त कर दिया गया। दुर्ग से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सरकारी अस्पताल के डॉक्टर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। सीएमएचओ दफ्तर में पदस्थ है आरोपी डॉक्टर। दफ्तर में काम करने वाली महिला ने ही डॉक्टर पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। पुलिस और सीएमएचओ से इस मामले की शिकायत की गई। आरोपी डॉक्टर को पदभार से मुक्त कर दिया गया।
ग्वालियर से बड़ी खबर, जहां डेंगू के 13 नए मरीज मिले हैं। डेंगू का कहर लगातार जारी है ग्वालियर में। ग्वालियर में 5 और अन्य जिलों में 8 नए मरीज मिले। जिले में डेंगू मरीजों का आंकड़ा बढ़कर हो गया है 143 के पार। जिले में लगातार डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं, जिससे चिंताएं बढ़ रही हैं स्वास्थ्य महकमे की। तो ग्वालियर में डेंगू अपने पैर पसार रहा है। डेंगू के 13 नए मरीज मिले हैं। ग्वालियर में 5 और अन्य जिलों में 8 नए मरीज मिले। जिले में डेंगू मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आंकड़ा पहुंच चुका है 143 के पार। जिले में लगातार बढ़ रही है डेंगू मरीजों की संख्या, जिसके चलते स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के दुर्ग में भी डेंगू के नए मरीज मिले हैं। डेंगू के मरीजों में 3 माह का बच्चा भी शामिल है। अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है इनका। डेंगू प्रभावितों की संख्या बढ़कर हो गई यहां पर 197। तो छत्तीसगढ़ में भी डेंगू कहर लगातार जारी है। दुर्ग की हम बात कर रहे हैं, जहां पर डेंगू के 3 नए मरीज मिले हैं। डेंगू मरीजों में 3 माह का एक बच्चा भी शामिल है। अलग अलग अस्पतालों में इनका इलाज चल रहा है। डेंगू प्रभावितों की संख्या बढ़कर हो गई है 197। तो छत्तीसगढ़ में दुर्ग भिलाई डेंगू का हॉटस्पॉट बना हुआ। दुर्ग से बड़ी खबर, जहां भिलाई में दूसरे दिन भी सीबीआई की कार्रवाई जारी है। पुरैना के रेलवे पीपी यार्ड में चल रही है जांच। मैकेनिकल विभाग के 4 दफ्तरों को सील कर दिया गया। दस्तावेजों को खंगालने में जुटी हुई है सीबीआई की टीम। गुड्स ट्रेनों के मेंटेनेंस और भुगतान की शिकायत पर जांच हुई। खबर दुर्ग से ही, जहां भिलाई में दूसरे दिन भी सीबीआई की कार्रवाई जारी है। पुरैना के रेलवे पीपी यार्ड में जांच चल रही है। मैकेनिकल विभाग के 4 दफ्तरों को सील कर दिया गया। दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। सीबीआई की टीम दस्तावेजों की जांच कर रही है। गुड्स ट्रेनों के मेंटेनेंस और भुगतान की शिकायत पर जांच हो रही है। रायपुर से बड़ी खबर, जहां बाढ़ का पानी घुस गया है गांव में। धनेरी नाला सेजम बाहर में घुसा है बाढ़ का पानी। दोनों गांव में 70 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। लोगों को रेस्क्यू करने के लिए पहुंची हुई एसडीआरएफ की टीम। लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, लगातार भारी बारिश होने से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बाढ़ का पानी कई गांव में घुस गया। धनेली नाला सेजम बाहरा में बाढ़ का पानी घुसा है। दोनों गांव में 70 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम कर रही है एसडीआरएफ की टीम। ये तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से लोगों का रेस्क्यू हो रहा है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एसडीआरएफ की टीम लगातार लोगों को सुरक्षित स्थानों में पहुंचाने के लिए लगी हुई। बिलासपुर से बड़ी खबर, जहां लगातार हो रही बारिश के चलते हालात बिगड़ गए। मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया। जल भराव से कई इलाके टापू बन गए। जान जोखिम में डालकर लोग सड़क पार करने को मजबूर हैं। बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार बारिश हो रही है, हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर, शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया है। जल भराव से कई इलाके टापू में तब्दील हो गए। जान जोखिम में डालकर लोग सड़क को पार कर रहे हैं, क्योंकि मजबूर भी हैं लेकिन खतरे से खाली भी नहीं। पुलिस की लापरवाही भारी पड़ सकती है, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। तो छत्तीसगढ़ में समय झमाझम बारिश का दौर जारी। बिलासपुर में भी लगातार बारिश होने से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया है। जल भराव से कई इलाके टापू में तब्दील हो गए। लोग मान नहीं रहे हैं, जान जोखिम में डालकर सड़क को पार कर रहे हैं। बिलासपुर में लगातार बारिश होने से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। किस तरीके से लोग पुल को पार कर रहे हैं, वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जो कि खतरनाक है।
अब बात कर लेते हैं कुछ सियासी खबरों की। मध्य प्रदेश में आज बीजेपी की दूसरी सूची आ सकती है। जी हां, इंतजार खत्म हो सकता है। आज शाम को उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होगा। दूसरी सूची में 40 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं। दिल्ली में दो दौर की बैठक के बाद नाम फाइनल हुए हैं, ऐसी खबरें हैं। बैठक में लगभग 64 सीटों पर चर्चा के बाद 40 से 41 नामों पर सहमति बनी है। पार्टी दो दर्जन सीट पर पैनल के नामों पर एक बार फिर विचार करेगी। तो पहली सूची के बाद अब दूसरी सूची का इंतजार खत्म हो सकता है। आज शाम को बीजेपी की दूसरी सूची आ सकती है। विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों की दूसरी सूची, 40 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम इसमें शामिल हो सकते हैं। दिल्ली में दो दौर की बड़ी बैठकों के बाद नाम फाइनल हुए। बात करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान की। सीएम शिवराज सिंह चौहान टीकमगढ़ के दौरे पर हैं। आज टीकमगढ़ के दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज। मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन करेंगे। 268 करोड़ की लागत से बनकर यह तैयार होगा। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान का आज टीकमगढ़ का दौरा है। आज टीकमगढ़ दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज। मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन वो करेंगे। 268 करोड़ की लागत से बनकर तैयार होगा मेडिकल कॉलेज। तो टीकमगढ़ को आज मेडिकल कॉलेज की सौगात मिलने वाली है। लगातार टीकमगढ़ जिले के वासी मांग करते रहे हैं मेडिकल कॉलेज की, और आज टीकमगढ़ को मेडिकल कॉलेज की सौगात मिलेगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन करेंगे, जिसकी लागत होगी 268 करोड़ रुपए। मुंबई से लोकल ट्रेन में स्टंटबाजी करते एक युवक का वीडियो सामने आया है। युवक चलती ट्रेन में स्टंट कर रहा है। वीडियो में युवक चलती ट्रेन में दरवाजे की निचली सीढ़ी पर नीचे उतरकर स्टंट करता हुआ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि लोकल ट्रेन बीती रात विरार से चर्च गेट की तरफ जा रही थी, और इस दौरान ट्रेन में सवार एक युवक जान की परवाह किए बिना स्टंटबाजी कर रहा था। तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये जो वीडियो है अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। तो चलती ट्रेन में सीढ़ियों पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यह युवक अपनी जान को जोखिम में डालकर स्टंट करता हुआ नजर आया है। स्टंटबाजी के चक्कर में कई बार देखा है हमने कि हादसे होते हैं, लेकिन आज के युवा मानने को तैयार नहीं। सोशल मीडिया पर लाइक्स, शेयर, कमेंट्स के चक्कर में ऐसी स्टंटबाजी भारी पड़ सकती है। मुंबई से लोकल ट्रेन में स्टंटबाजी करते हुए युवक का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। वीडियो में युवक चलती हुई ट्रेन में दरवाजे की निचली सीढ़ी पर नीचे उतरकर स्टंट करता हुआ नजर आया। वहीं दूसरा युवक इसका वीडियो बना रहा था। बताया जा रहा है कि लोकल ट्रेन बीती रात विरार से चर्च गेट की तरफ जा रही थी, और इस दौरान ट्रेन में सवार एक युवक जान की परवाह किए बिना स्टंटबाजी कर रहा था। खबर रतलाम से, जहां एनआईए की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एनआईए की टीम ने राहुल सेन नाम के युवक को गिरफ्तार किया। रांची में एनआईए ने हाल ही में फैजान अंसारी नाम के युवक को गिरफ्तार किया था, जिसके आईएसआईएस से सीधे संबंध थे। फैजान की निशानदेही पर ही एनआईए ने दबिश देकर राहुल को पकड़ा। दोनों सोशल मीडिया अकाउंट से आपस में बात करते थे। पुलिस राहुल के लोकल कनेक्शन तलाश रही है, साथ ही आतंकी संगठन से ये कब जुड़ा इसकी जांच में रतलाम पुलिस जुटी हुई है। टीम गठित करके आज सुबह सुबह रेड की गई, जिसमें राहुल सेन को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से मल्टीपल सिम, एक काला चाकू, काला कपड़ा जो कि एक आईएसआईएस का एक चिन्ह भी है, वो भी जब्त कर लिया गया है। और एनआईए पुलिस रांची द्वारा उसकी गिरफ्तारी करके 5 दिन का ट्रांजिट रिमांड लेकर उसको जो है वो लेके जाया जा रहा है। अब खबर इंदौर से, जहां शहर की रीगल चौराहे पर हिंदू महासभा ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया।
दरअसल तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म की डेंगू मलेरिया और कोरोना से तुलना करने वाले बयान पर यह प्रदर्शन हुआ है। इतना ही नहीं, उदयनिधि के फोटो पर जूते चप्पल मारकर थूक कर प्रदर्शन किया गया, इतना आक्रोश था। हिंदू महासभा ने जमकर प्रदर्शन किया है उदयनिधि स्टालिन के इस बयान पर, जिसमें उन्होंने सनातन धर्म की तुलना डेंगू मलेरिया कोरोना से कर दी थी। कई अधर्मी लोग जो कि सनातन धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में शामिल हुए हैं, वो धर्म के कह ही नहीं सकते उनको, वो अधर्मी है। जिन्होंने हमारे सनातन धर्म पे प्रहार करने का कार्य किया है, कभी कोई राजनीतिक पार्टी सनातन धर्म पे प्रहार करती है, और हम ये कहना चाहते हैं कि उस देश का पतन तय है जिस देश से उसकी संस्कृति ख़त्म हो जाती है। तो यह हमारे भारत को ख़त्म करने की कुलनीति सोच है, आतंकवादी सोच है, जो हमारी संस्कृति को ख़त्म करने का प्रयत्न कर रही है। पैलेस्टाइन के लिए विरोध है, और साथ में भूपेन जी के जो पिताजी हैं उन्होंने भी सनातन धर्म को अनाप शनाप बातें कही हैं। उन्होंने डेंगू मलेरिया HIV जैसी बातें सनातन धर्म के लिए कही है, शर्मसार करने वाली बात है। खबर बालाघाट से, जहां नगर पालिका मलाज खंड के CMO को 2 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। दरअसल सुशील चंदेल नाम के युवक ने लोकायुक्त जबलपुर से शिकायत की थी। फरियादी ने कहा कि उसने घर घर कचरा संग्रहण का ठेका लिया था, जिसमें 49,09,000 रुपये का भुगतान बाकी था। भुगतान करने के एवज में CMHO शिव प्रसाद ध्रुवे ने 2 लाख रुपये की रिश्वत की मांग की थी। मामले की तस्दीक करने के बाद आज बालाघाट कलेक्ट्रेट के गेट पर CMHO को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। मलाजखंड नगर पालिका में पुराना 2018 से 2022 तक का पुराना टेंडर था, उसका 39 लाख रुपए का पेमेंट था, जिस पेमेंट को वो कर ही नहीं रहा था, 1.5 साल से मतलब कर ही नहीं रहा था उस पेमेंट को। और मेरा एक नया टेंडर था, तो नया टेंडर उसके बाद भी मेरे को 2022-23 और 3 साल का था, तो 2022 मार्च में टेंडर हुआ था, वो टेंडर भी मेरे को मिला था। अब पुराने 3 साल के दर से वो दर कम थी, उसके बावजूद भी मेरे टेंडर को परिषद ने पास किया, परिषद ने यस बोला, उसके बाद में भी मेरे टेंडर को इसने कैंसिल किया, मेरे से 30% की मांग कर रहा था। हमारे फरियादी है सुशील जी चंदेल, ये बालाघाट के निवासी है। इनके द्वारा नगर पालिका में ठेके का काम किया जाता है। इनके द्वारा वर्ष 2018 से 22 तक के लिए नगर पालिका मलाजखंड में डोर टू डोर कचरा संग्रहण के लिए इनको ठेका मिला था, जिसका लगभग 39,09,906 रुपए पेमेंट बाकी है। पेमेंट निकालने के लिए जब ये वहाँ पदस्थ CMO है श्री शिव प्रसाद दुबे से मिले, तो इनके द्वारा 2 लाख रुपए की मांग की गई थी। आज हमने इनको कलेक्ट्रेट बालाघाट के मुख्य द्वार पर मुख्य गेट पर 2 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा है, कार्रवाई जारी है। नीमच के जावद विधानसभा क्षेत्र के सरवनिया महाराज के पास मोड़ी स्कूल में पेशाब कान की घटना सामने आई। शिक्षिका ने आशंका जताई है कि उनकी मौजूदगी में उसके बॉटल से किसी ने छेड़छाड़ करते हुए कुछ मिला दिया। शिक्षिका ने इसकी शिकायत प्राचार्य और जिला शिक्षा अधिकारी से की, जिसके बाद मामले की शिकायत पुलिस में की गई। पुलिस ने जाँच करते हुए स्कूल के DVR को अपने कब्जे में ले लिया और आरोपी मामले की जाँच मैं चुट गई है पुलिस। हाई स्कूल मोड़ी है और उसकी 4 तारीख को मेरे को दूरभाष पे सूचना मिली थी कि इस प्रकार की कोई घटना हुई है। 5 तारीख को मैं स्कूल पहुंच गया था और मैंने वो जो स्कूल की DVR जो है CCTV की, उसकी सील बंद करा के पंचनामा करा करके जब्त कर ली थी, और साथ में पानी का जो सैंपल था वो बॉटल थी उसको भी पंचनामा बना करके सील बंद करके और पुलिस थाना सरवानिया महाराज में पहुंचा दिया था। उसकी रिपोर्ट आने के बाद हम आगे की कार्रवाई करेंगे कि पूरा प्रकरण क्या है। एक शिकायत प्राप्त हुई है, सरवानिया महाराज हाई स्कूल के प्रिंसिपल ने शिकायत की कि कोई टीचर है, उनकी बॉटल में कोई पदार्थ मिला हुआ, उन्हें की शंका जाहिर की है, उसकी जाँच की जा रही है, जाँच पर से जो भी साक्ष्य आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। महाकालेश्वर मंदिर में भी अब सभी श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। गर्भगृह में ड्रेस कोड लागू होगा।
आम दिनों में जिन श्रद्धालुओं को निशुल्क गर्भगृह में प्रवेश दिया जाता था वो श्रद्धालु नॉर्मल ड्रेस में गर्भगृह में जाकर दर्शन करते थे, लेकिन अब उन श्रद्धालुओं के लिए भी ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। साथ ही उज्जैन के निवासियों को सप्ताह में एक दिन भस्म आरती में निशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, खबरें लगातार जारी है, नमस्कार।